कभी कभी हम विद्यार्थियों के ऊपर सोसाइटी का इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि हम लोग किसी एग्जाम में सफल होने और असफल होने को अपने जीवन के सफलता और असफलता से जोड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या सिविल सर्विस का जो यूपीएससी का एग्जाम हो, उस एग्जाम को देते हैं बहुत सारे कैंडिडेट और उसमें सफल नहीं होते, लेकिन इस सेक्टर को छोड़ के बाकी दूसरे सेक्टर में वो जब जाते हैं तो वहां पे सफल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम को पास करने या फेल करने से आप अपने जीवन में एक तरह से कहिए सफल या असफल होइएगा। तो आपको चीजों को समझना है, और अभी जो भी कैंडिडेट जेपीएससी का एग्जाम दिए हैं, इस बात में आप ज्यादा मत उलझिए कि कट ऑफ कितना रहेगा, क्योंकि आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं। आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता पाएगा, सब एक तरह से कहिए भविष्यवाणी करेगा कि चलिए 15 रहेगा, 20 रहेगा, 25 रहेगा, और आप बस यही सुनना चाहते हैं कि आपका जितना मार्क्स आ रहा है, कोई किसी के मुंह से आप सुन लिए कि हाँ इससे कम कटअप रहेगा तो आप खुश हो जाइएगा। तो आप अपने खुशी के पीछे मत भागिए, आपका जो काम है उसके पीछे भागिए। उम्मीद करते हैं आप जितना भी मेहनत कर सकते थे 100% ईमानदारी पूर्वक मेहनत किए होंगे, पीटी एग्जाम दिए होंगे, और उसी तरह से आपका मेंस का तैयारी करना होगा। ठीक है, अगर इस बार आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर जेपीएससी देने का आपके पास समय है तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप तैयार कर सकते हैं अपने आप को। अगर आपके पास आपको लगता है कि आपका कोई दूसरा एग्जाम है तो आप दूसरा एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, इसमें क्यों उलझे हुए हैं। और अगर लगता है कि ये एग्जाम से अब मेरा मोह माया अब निकल गया, अब हम सरकारी नौकरी के पीछे नहीं जाएंगे, कोई दूसरा काम आपको करना है तो वो भी काम कर सकते हैं। मेरा कहने का बस इतना उद्देश्य है, फालतू में अपना समय को मत गवाइए। और कभी कभी हम लोगों को लगता है ना कि एग्जाम में हम पास नहीं होंगे तो हम जीवन में असफल हो जाएंगे, तो देखिए कभी कभी अपने मन को हल्का करने के लिए किसी का बोला हुआ जो तथ्य है उसको सुन लेते हैं तो मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और इसीलिए रील्स वगैरह तो आप लोग देखते ही रहते होंगे, उसी रील्स में हमको ये वीडियो देखने को मिला, तो हमको लगा ये विद्यार्थियों को बताना चाहिए, क्योंकि हम लोग करते क्या है ना कि बहुत सारा रील्स तो देखते जाते हैं मिनट मिनट में, लेकिन चीजों को आत्मसात नहीं कर पाते, वो जो बोल रहा है उसको हम समझ नहीं पाते, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो इसको थोड़ा सा जेपीएससी के कैंडिडेट को सुनाना हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इसको आप केवल सुने ना, बल्कि इसको थोड़ा सा अपने जीवन में आत्मसात करें और इसके बात को समझें। चलिए इनके जो नीलोत्पल जी हैं उन क्या कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा हम लोग सुनते हैं। ऐसे निकाला तो आप दिमागदार हैं, नहीं निकाला तो आप बेकार हैं, ऐसा थॉट क्यों? आर्क हाउस मेरी किताब में एक पंक्ति है कि जरूरी नहीं जो सेलेक्ट हो वो करेक्ट हो। तो कोई देखिए कोई अभी बोले कि सेलेक्ट हो वो करेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। आप बार बार सुनते होंगे कई लोग ऐसे आरोप लगाते हैं कि एग्जाम में धांधली हो रहा है और गलत तरीके से लोग जो है एंट्री कर रहे हैं, तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो एक तरह से कहिए सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनको लोग जो है या सोसाइटी क्या मान लेता है, असफल है। और कभी कभी होता क्या है ना कि कैंडिडेट या कोई विद्यार्थी वो कभी कभी खुद को भी असफल मानने लग जाता है, क्योंकि जब आपको सामने से सबको ये बोलते हैं कि आप असफल है असफल है, तो हमारे दिमाग में भी हो जाता है कि हम जीवन में सबसे असफल इंसान है, जबकि ऐसा नहीं है। परीक्षा आपको करेक्ट घोषित नहीं करता है, उस परीक्षा में सेलेक्ट घोषित करता है। और ये बोला कि जो उस परीक्षा में वो है वही दिमागदार है, तो देश का प्रधानमंत्री तो कभी पीटी दिए नहीं है। अब बोल के देख ले पीटी पास वाले, उनको तुम्हारे पास दिमाग नहीं, हमारे पास दिमाग है। बिन दिमाग चल रहा है पूरा दुनिया। और मजे की बात ये कि ये लोग जो बोलते हैं दिमाग वाले वही करते हैं, अपना बिना दिमाग लगाए। तो ये प्रतिभा एग्जाम से नहीं तय होनी है। जो कलाकार है बिना दिमाग के कला का प्रदर्शन कर रहा है, इतना कुछ रचा जा रहा है। वैज्ञानिक बिना दिमाग के, बिना यूपीएससी की वैज्ञानिक है तो कुछ नहीं है। वो जो नासा में बैठा, नासा में बैठा है। ऐसा नहीं है, हमने अपने समाज में ये बना लिया है। आजकल कई लड़का सेलेक्ट होने के बाद अपना ब्लॉग बना रहा है कि वो कैसे खाता है, कैसे जीता। देखिए यहाँ पे ये हम लोगों के ऊपर प्रेशर होने का कारण एक ये भी है कि जो भी सेलेक्ट हो जाते हैं उससे संबंधित बहुत सारे तथ्य कि वो कितना मेहनत की है वो तो सारा सोशल मीडिया आपको बताता है, कभी कभी बढ़ा चढ़ा के भी बताया जाता है, लेकिन जो एक दो नंबर के चलते, पांच नंबर के चलते या किसी परेशानी के चलते सेलेक्ट नहीं हो पाते उसके बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता है। और हम लोगों को ये लगता है जो सेलेक्ट हो गया वो मेहनती है और जो सेलेक्ट नहीं हुआ वो मेहनती तो है ही नहीं, लेकिन आप भी जान रहे होंगे कि जो सेलेक्ट नहीं होते हैं वो भी काफी ज्यादा मेहनती होते हैं। कैसे दांत काटता है, उसका खून का रंग कैसा है यूपीएससी सेलेक्ट होने के बाद, ये सब जो इंटरनेट का नौटंकी आया है इससे बढ़ गया है। यूपीएससी आखिरी वो काम नहीं है, वो भी एक नौकरी है। आपने नौकरी करने वाले का दुख नहीं देखा है, देखा है आप खुद नौकरी में, तो आप बताइए सरकारी नौकरी जो नौकरी में है उनका अलग दुख है, जो नहीं है उनका अलग दुख है। देखिए यहाँ पे बोले जो जॉब में है उसका अलग दुख है, जो जॉब नहीं कर रहे उसका अलग दुख है। तो देखिए आपको चीजों को सही तरीके से लेना होगा, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
आप हम बार बार कह रहे हैं अपना पूरा 100% दिए थे पीटी एग्जाम में, मेंस के लिए भी अपने आप को 100% के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि अभी आप देखिएगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस आता है पीटी और मेंस में। आप मेंस पास भी कर जाइएगा लेकिन इंटरव्यू अगर आपका सही नहीं गया तो आप जो है वहां पे भी फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाइएगा। तो ये बहुत एक तरह से ये सांप सीढ़ी का खेल है, आप इंटरव्यू तक पहुंच के भी फेल हो जाते हैं तो वही भीड़ में आप शामिल हो जाते हैं। जो पीटी में फेल हो गया वही भीड़ में आप इंटरव्यू में पास होके भी उसी भीड़ में आ जाते हैं। तो चीजों को समझिए। अब देखिए यहाँ पे कटअप बात कर रहा था, तो हम लोग जो है चीजों को देखिए हम बार बार करते हैं कि आप सिविल सर्विस का एग्जाम कर रहे हैं तो थोड़ा सा चीजों को एकदम टेक्निकल वे में समझने का प्रयास कीजिए और चीजों को आप खुद समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब दूसरा कोई बताए तभी आप समझ सकते हैं, आप भी खुद को समझ सकते हैं। जो नया कैंडिडेट है उसको थोड़ा बहुत हम समझाने का यहाँ पे प्रयास करें कि देखिए क्या यहाँ पे पिछला जेपीएससी में हुआ था। तो पिछला जेपीएससी में दो बार रिजल्ट आपका दिया गया था, जिसमें दूसरा बार जो रिजल्ट दिया गया था उसमें जनरल कैटेगरी का जो कटअप था वो 248 था, यानी कि अगर 124 क्वेश्चन अगर आप सही करते तो यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन हो जाता सेकंड जो रिवाइज रिजल्ट है उसमें। अब यहाँ पे 248 जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं उसके पीछे भी यहाँ पे कुछ लॉजिक है, उसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अभी आपको जो भी आंसर की दिया गया है उसके विरुद्ध में आपको जो भी गलत आंसर दिया गया है तो सही आंसर बताने के लिए यहाँ ऑब्जेक्शन के लिए वेबसाइट जो है वो खुला हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है वहां पे ऑब्जेक्शन डाल रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए पिछले बार भी यही हुआ था, जेपीएससी गलत प्रश्न देती है और उसके बाद ऑब्जेक्शन करने के लिए यहाँ पे बोलती है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन आप कीजिएगा तो वहां पे आयोग कार्रवाई भी करती है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती है, वो उसको क्या करती है सुधारती भी है। और सुधारने के बाद देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे कुल पेपर वन में आप देखिएगा 9 प्रश्नों को रिवाइज किया गया, यानी 9 प्रश्नों को यहाँ पे सुधार किया गया थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे टोटल 9 प्रश्न है और 9 प्रश्न में आप देखिएगा जो आपका इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं ताकि एक ही स्क्रीन में हाँ सारा चीज दिख जाए। चलिए तो 9 प्रश्न में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 68 है और 91, ये सेट ए का। उसी तरह से सेट बी में है, मतलब जो जो क्वेश्चन यहाँ सुधारा होगा बाकी सेट में भी सुधारा गया होगा। तो ऐसा भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना कि हम जिसको गलत किए हैं अगर हम क्लेम नहीं किए तो मेरा नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मतलब हुआ ना कि जैसे हम कोई चीज सही बना के आए हैं और हम क्लेम नहीं किए तो हमको नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो भी आंसर यहाँ पे सुधारा जाता है सबके लिए सुधारा जाता है, किसी आप क्लेम कीजिएगा तो आप ही को नंबर मिलेगा ऐसा नहीं है, है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा लोग एक तरह से कहिए सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये 4 प्रश्न है जिसमें एक तरह से कहिए चारों प्रश्न को रद्द किया गया था और इसमें 2-2 मार्क्स आपका यहाँ पे दिया गया था। आप 2-2 मार्क्स यहाँ पे देने के कारण यहाँ पे टोटल जो आपको 8 मार्क्स है वो तो फ्री में मिल गया, यानी हर एक कैंडिडेट को 8 मार्क्स फ्री में मिल गया। तो जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि 248 कटअप था वो 248 केवल देखने में कटअप था, ओरिजिनल में तो यहाँ पे जो 240 सही किया था बाकी क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन पेपर 2 में भी आप देखिएगा तो पेपर 2 में भी यहाँ पे देखिएगा आपका 2 प्रश्न को यहाँ पे सुधारा गया था। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो हम अभी ये बोल रहे थे कि 8 प्रश्न जो है आपको तो फ्री में मिला था और टोटल आपका कटअप गया था 248, यानी कि यहाँ पे जो बाकी बचे प्रश्न है उसके अनुसार आप देखिएगा तो 240 मार्क्स यहाँ पे आपका आता, तो 8 मार्क्स फ्री में आपको मिल जाता। फ्री में मिलने के बाद आप जो है इस एग्जाम में क्लियर हो जाते हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट के हैं तो। अब देखिए पिछले वीडियो में हम लोग एक प्रश्न को लेके बहुत ज्यादा विवाद था, हम तो एक प्रश्न के बारे में चर्चा किए थे, ऐसे और भी प्रश्न आपको हो सकता है मिला होगा जिसको अंगोरा ऊन वाला था कि बकरी भी होगा कि खरगोश होगा। तो हम बोले थे जिनको जो लगता है वो क्लेम कीजिए, आयोग इस पर विचार कीजिए। जैसे कि यहाँ पे पिछला एग्जाम जो हुआ था उसमें आप देखिएगा कि एक 52 क्वेश्चन नंबर था जिसमें बोथ ऑप्शन बी एंड सी करके यहाँ पे गया है कि ये जो दोनों आंसर ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो इसीलिए आप क्लेम कीजिए। आयोग क्या करेगी नहीं करेगी वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, हम बार बार कहते हैं आपका जो काम है वो आपको करना है, आयोग का जो काम है वो आयोग करेगी। तो ये तो था आपका पिछला जो 7वां से 10वां जेपीएससी था उसका पीटी का कटअप। हम लोगों का मेंस जो है उसके बारे में अभी ज्यादा फोकस करना है, उसको देखना है, क्योंकि पीटी में आप जो करना था वो कर चुके हैं, इसमें आप कुछ सुधार सकते नहीं है। लेकिन जिनका पीटी निकलेगा या जिनका नहीं भी निकल रहा, हम बोल रहे हैं कि अगर आपके पास नेक्स्ट जेपीएससी देने का समय है तो भी इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हो सकता है जब नेक्स्ट जेपीएससी आप दे रहे होंगे उस समय आपके पास इतना समय नहीं रहा होगा। इसीलिए जो भी अभी वीडियो डाले जाएंगे, चाहे हमारे चैनल में डाले जाएं या किसी दूसरे चैनल में डाले जाएं, मेंस रिलेटेड अगर लगता है सही इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है तो उस सही इन्फॉर्मेशन को आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। जो भी समय हम बार बार कर रहे हैं आपको बर्बाद नहीं करना है, आप समय का क्या महत्व है खुद जानते हैं, ये बताने का कोई आवश्यकता
नहीं है। अब देखिए यहाँ पे छठी जेपीएससी में अगर आप देखिएगा तो मेंस का जो कट ऑफ गया था, यानी कि आपका जो छह पेपर है उसमें जो भी नंबर यहाँ पे क्वालिफाइंग को भी जोड़ दिया गया था, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यही है कि आयोग कभी कभी गलती करती है, अगर कोर्ट में उसको हरा नहीं पाए तो आयोग अपना गलती मानते भी नहीं है। तो छठी जेपीएससी में इंग्लिश जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको भी यहाँ पे जोड़ दिया गया था, और उसको जोड़ के यहाँ पे 508 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ गया था। मतलब अगर कोई जनरल कैंडिडेट में 508 मार्क्स अगर मेंस में लाता तो वो जो है मेंस पास करके इंटरव्यू देने लायक वो बन जाता। अब यहाँ पे देखिए कि सातवीं जेपीएससी में आता है, हम दोनों को तुलना करें ताकि एक डिफरेंस आपको पता चले कि देखिए एक जेपीएससी से दूसरे जेपीएससी में कितना डिफरेंस आता है। हम ये नहीं कहेंगे कि वही नंबर रहेगा या उसी के आसपास रहेगा, बहुत ज्यादा भी डिफरेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सातवीं जेपीएससी देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जनरल कैंडिडेट का, बाकी कैंडिडेट अपना देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में हम सारा चीज डाल दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 532 यहाँ पे था, तो आपको लगेगा यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, मात्र 24 मार्क्स का, लेकिन मात्र 24 मार्क्स का यहाँ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश को यहाँ पे जोड़ा नहीं गया था, आप समझिए एक सब्जेक्ट को यहाँ पे जोड़ा नहीं गया तब भी यहाँ पे आपका 532 कट ऑफ गया, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट को यहाँ पे इंग्लिश को जोड़ा गया था, इंग्लिश जोड़ के भी यहाँ पे 508 कट ऑफ गया था। तो देख लीजिए कितना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कम बोला जा रहा था कट ऑफ जाएगा सातवां से दसवां जेपीएससी में, क्यों? क्योंकि अगर आप सातवां से दसवां जेपीएससी को ध्यान से देखे होंगे या उस समय थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे जेपीएससी से, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 3 दिन में 6 पेपर लिया गया था, यानी कि 6-6 घंटा का एग्जाम जो है एक ही दिन में हुआ था। तो हो सकता है इस बार भी जेपीएससी जो है वो 3 ही दिन में सारा एग्जाम को ले ले, तो आपको 6 घंटा बैठने का भी एक तरह से आदत होना चाहिए। इन सब चीजों का थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं है कि फालतू के बातों में आप देख रहे हैं कि मेंस ऐसा करे वैसा करे और सही चीज आपको जानकारी नहीं मिल रहा है, पता चला आधा घंटा का वीडियो देखे कुछ समझ में आया ही नहीं कि करना क्या है और करना नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को जागरूक कीजिए और सही जानकारी कहां से मिल रहा है ये चीज को समझने का प्रयास कीजिए। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि ठीक है हम जो है वो मेंस क्या कर लेते हैं, दे लेते हैं। अब मेंस देने के बाद हम थोड़ा सा इसको जो है इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फाइनल जो सिलेक्शन हो रहा है उसको देखिए, हम जनरल कैंडिडेट का बता रहे हैं, हो सकता है देखने में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, हम बार बार कर रहे हैं कि ये सारा चीज टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया गया, वहां से जाके अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। फाइनल रिजल्ट अगर आप देखिएगा तो 6 जेपीएससी में आपका 600 कट ऑफ था, यानी अगर 600 मार्क्स आपका इंटरव्यू में और मेंस में अगर आपका आता तो समझिए कि आप फाइनली यहाँ पे जेपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा ये जो सातवीं से दसवीं जेपीएससी है यहाँ पे सर्विस वाइज यहाँ पे दिया गया है, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता रहता है कि कौन सा सर्विस के लिए हम यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, केवल एग्जाम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, कौन सा सर्विस में मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कोई आता पता ही नहीं रहता है। तो इस तरह से जो भी आपका नोटिफिकेशन दिया गया है वहां पे आप देख सकते हैं, या इस कटअप में भी आप देख सकते हैं सर्विस वाइज यहाँ पे आपका कटअप दिया गया है। तो मिनिमम जो कटअप गया है आपका वो झारखंड प्रोबेशन सर्विस करके दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपका 633 यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका में कितना का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, फिर से अगेन 33 का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आप सोचिएगा मात्र 33 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन हम बार बार आपको फिर से यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें इंग्लिश नंबर को, इंग्लिश का जो मार्क्स है उसको यहाँ पे जोड़ा नहीं गया था, और इसमें जो है इंग्लिश को जोड़ के इतना मार्क्स आपका कट ऑफ गया था। तो इस तरह से आपका इंग्लिश को जोड़ के यहाँ पे आपका 600 मार्क्स आ रहा था, और यहाँ पे देखिएगा तो इंग्लिश हटा के भी 633 आ रहा है। तो 33 नंबर का डिफरेंस नहीं है बल्कि इससे ज्यादा का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक चीज और हम यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पे कहाँ ऊपर भाग गया, यहाँ पे देखिए 508 मार्क्स यहाँ पे था जनरल कैंडिडेट का, क्या मेंस का कट ऑफ, यानी 508 अगर आप लाते तो पास हो जाते। अब 508 और 600 के बीच का कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 92। क्या आपको लगता है कि इंटरव्यू आप दीजिएगा उसमें 100 मार्क्स में आपको 92 मार्क्स देगा? तो बिल्कुल नहीं, किसी भी कितना भी टैलेंटेड व्यक्ति अगर इंटरव्यू देगा तो उसको 90 प्लस हमको तो नहीं लगता है कि किसी को यहाँ पे जेपीएससी देने वाली है। 60 70 50 बस यही नंबर आपको दिया जाता है, इससे ज्यादा आपको नंबर नहीं दिया जाता है। तो आपको यहाँ समझने वाला बात यह है कि मेंस में ही आप जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आइए, ताकि इंटरव्यू में अगर आपको 50 मार्क्स भी मिलता है तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाइए। क्योंकि देखिए जो इंटरव्यू देके सेलेक्ट नहीं होता है ना, तो उसका दुख आप जाके देखिए वही बता सकता है कि कितना ज्यादा दुख होता है। पीटी में जितना दुख होता है ना उससे लाख गुना ज्यादा दुख होता है अगर आप इंटरव्यू देके छट जाते हैं। इसीलिए आपके पास अभी जो समय है
मेंस का तैयारी करने का, उसमें अपने आप को मेंस के लिए झोंक दीजिए और अपने आप को वहां पे तैयार कीजिए मेंस के लिए। और नहीं तो पता चला मेंस तो आप दे लिए, चार लोग आपको कह दिया कि चलो पीटी पास हो गया और मेंस दे रहा है, खुश हो जाइएगा, लेकिन पता चला फाइनली फिर मेंस में फेल हो जाइएगा या इंटरव्यू देके फेल हो जाइएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये सांप सीढ़ी का खेल है। इंटरव्यू देके भी अगर आप जब फेल हो जाते हैं तो आप उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं जो कि पीटी में फेल हुआ था। तो इसीलिए अपने आप को तैयार कीजिए और यहाँ पे मेंस में इतना मार्क्स ले आइए कि अगर आपको 40-50 मार्क्स भी अगर देता है इंटरव्यू में तो आप जो है फाइनली कटअप को क्लियर कर सके। तो इस चीज को आप ध्यान में रखने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे ये सारा चीज आपका यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास किए। अब उसी तरह से यहाँ पे ये कटअप वगैरह जब देख लिए तो थोड़ा बहुत हम आपको इस वीडियो में तो बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ जो है सिलेबस भी आपको थोड़ा हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप देखे होंगे कि थंबनेल में हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा हम यहाँ पे बोले हुए थे। तो इस तरह से देखिए एक हम मार्कशीट मिला है, जहां तक हम नाम अगर ठीक उच्चारण कर पा रहे हैं तो अधिकार भारद्वाज करके जो है हमारे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, उनका मार्कशीट जो है वो उपलब्ध कराया है और उनसे हमको बहुत सारा चीज जो है वो सीखने को मिल सकता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो खुद एग्जाम दिया नहीं है कभी, वो लोगों का स्ट्रैटेजी सुनते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है वो भी सही बता रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है जो कि इस एग्जाम को दिए हुए हैं और वो बेहतर एक तरह से कह सकते हैं कि रिजल्ट दिए हुए हैं किसी एक सब्जेक्ट में, लेकिन फिर फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हमको उनको असफल नहीं मानना है, बल्कि उनका जिस भी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अगर उससे कुछ मार्गदर्शन उस सब्जेक्ट में मिल जाए तो वो बहुत बेहतर है। तो हम भी प्रयास करेंगे कि आप लोग अगर कोई वीडियो को देख रहे हो और आप मेंस दिए हुए थे पिछला जेपीएससी और आप किसी सब्जेक्ट में बेहतर प्रदर्शन किए लेकिन कोई एक सब्जेक्ट जो है आपको लेट हुआ, तो ठीक है आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में आपको नंबर मिल जाएगा, लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का बार बार हम कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर विद्यार्थियों को आपका जो एक तरह से कह सकते हैं अनुभव है मेंस देने का अनुभव लोगों को पता चलेगा तो जो सही जानकारी है वो लोगों तक पहुंचेगा। देखिए इनका जो यहाँ पे मार्क्स हो सकता बहुत ज्यादा धुंधला दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। ये जो छठा पेपर है जो कि साइंस से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड पेपर में इनका मार्क्स कितना आता है, 135 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखिएगा जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पेपर 3 है जीएस का, उसमें 136 मार्क्स इनको मिला हुआ है। और अगर आप जेपीएससी मेंस थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये मार्क्स कितना ज्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा हाई मार्क्स है, 135 और 136। तो इस तरह से अगर इस तरह के कैंडिडेट अगर आपको मार्गदर्शन करते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है एक सही डायरेक्शन में जाइएगा, और नहीं तो जो खुद कभी एग्जाम दिए नहीं है उनका आप ज्ञान सुनते रहिएगा। हो सकता है हम बार बार कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम नहीं दिए वो आपको सही डायरेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन ज्यादा चांस है कि जो खुद उस एग्जाम को दिए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं। क्योंकि देखिए पढ़ाना और पढ़ के एग्जाम देना उसमें बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस होता है कि उस प्रेशर में आप अपने आप को एक तरह से कहिए संभाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो बहुत सारा डिपेंड करता है जो कि जो एग्जाम दे रहा है वही लोग यहाँ पे आपको बता पाएगा। तो इस तरह से जितना भी कैंडिडेट है अगर इस एग्जाम वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मार्कशीट है वो शेयर कर सकते हैं तो टेलीग्राम में शेयर कीजिए, ताकि दूसरे कैंडिडेट को पता चले कि देखिए कि जो सफल नहीं हुए हैं, जिसको लोग जो है समाज जो है असफल घोषित किए हैं, वो लोग भी मेहनत करते हैं, कुछ कारणवश जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो असफल हो जाते हैं। मेरा भी दो जो मेंस देने का है छठा और सातवां जेपीएससी का, हम जो भी दिए ठीक है, हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, हम जानते हैं मानते हैं, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं हम एक विद्यार्थी हैं, आप लोगों से बहुत सारा चीज हमको सीखने को मिल रहा है, तो मेरा जो भी अनुभव रहा है वो हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे। आने वाले जो भी मेंस का सीरीज होगा उसमें आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो वो अपना अनुभव बता पाते हैं, हमको मिला है तो हम बता पा रहे हैं, जिनको नहीं मिला है वो अपना अनुभव नहीं बता पाते हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका जो भी अनुभव है वो लोगों से शेयर किया जाए और लोगों को जानकारी यहाँ पे हो। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस थोड़ा सा डिस्कशन के लिए बोले थे, तो सिलेबस पे यहाँ पे देख लेते हैं कि सिलेबस यहाँ पे है कहाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं ये जो हाँ सिलेबस पहले खोल लेते हैं। सिलेबस टेलीग्राम चैनल में डाला गया है, वहां पे आप देख सकते हैं या आप जेपीएससी के वेबसाइट में भी देख सकते हैं। ये तो पीटी का सिलेबस है, उम्मीद करते हैं ये लास्ट में होगा, इसको हाँ पीटी का सिलेबस यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ सारा पेपर का सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। लैंग्वेज पेपर पे अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हर एक कोई का अपना अपना अलग अलग लैंग्वेज है,
तो उसके लिए एक अलग वीडियो हम बता देंगे जो भी हम जानते हैं उसका लैंग्वेज पेपर के बारे में। अगर कहीं आपका दूसरा लैंग्वेज पेपर है तो कहीं पे भी आपको जानने को मिल रहा है या खुद से भी आप पढ़ सकते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, यहाँ क्वालिफाइंग पे भी फिलहाल चर्चा नहीं करते हैं, जो मेन पेपर है उसमें हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे जो कि जीएस पेपर 3 से लेके अब का 4 उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत, या हम मेन जो पेपर है उसी को हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद एक एक पेपर पे यहाँ पे चर्चा करेंगे कि टोटल एग्जाम क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए कैंडिडेट हैं जिनको बहुत कॉमन कॉमन चीज भी पता नहीं है तो हमको सबको लेके चलना पड़ता है, इसीलिए जो जान रहे हैं ये सब सारा चीज वो हो सकता है थोड़ा सा इरिटेट हो कि ये सब चीज तो कौन नहीं जानता है, लेकिन हमको तो बताना पड़ेगा क्योंकि सबको लेके हमको चलना पड़ता है। चलिए देखिए, यहाँ पे आप जब जेपीएससी पीटी पास कीजिएगा तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 4 जो है वो जीएस पेपर आपको देने पड़ते हैं, 4 जो है वो जीएस पेपर देने पड़ते हैं, 2 जो है पेपर देने पड़ते हैं जिसमें से एक जो होता है वो आपका यहाँ पे ये जो है तो आप देख चुके हैं, ये तो पीटी का, सॉरी यहाँ पे ही 4 पेपर यहाँ पे दिया गया, एक मिनट इसको हम मिटाते हैं। हाँ, ये तो पीटी आप देख चुके हैं ऑलरेडी 2 पेपर, उसके बाद मेंस में अगर आप देखिएगा तो 4 पेपर जो है आपका यहाँ पे वो जो होता है जीएस पेपर, और 2 पेपर जो होता है वो जनरल हिंदी और इंग्लिश का होता है जिसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, मतलब आपको यहाँ पे पास करना है और ज्यादा यहाँ पे मार्क्स ला के कोई फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन हम बोले थे कि 6ठा जेपीएससी ने क्या कर दिया गया था, इंग्लिश को ही जोड़ दिया गया, तो अभी नहीं जुड़ेगा, 7वां में भी नहीं जुड़ा था, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। पेपर 2 जो होता है उसमें आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज चुनना होगा, आपका नागपुरी हो सकता है, खोटा हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, जो भी लैंग्वेज आपका हो सकता है आप उसको चुन लीजिएगा। इसके बारे में अभी हम लोग जनरली ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आपका जो क्वालिफाइंग रहता है वो 100 मार्क्स का रहेगा, और जो आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा वो 150 मार्क्स का यहाँ पे रहता है। तो इस तरह से ये तो हो गया आपका अलग अलग कैंडिडेट का, ये जो पेपर होगा वो अलग अलग होगा, किसी का नागपुरी होगा, किसी का कोटा, किसी का हिंदी, किसी का इंग्लिश, या किसी का दूसरा सब्जेक्ट जो भी वो चूज करेंगे वो हो सकता है। यहाँ पे जो कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पे जो रहेगा उसके बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको और जूम करते हैं, तो यहाँ जीएस पेपर जो है आपका, हाँ जीएस पेपर जो है उसमें अगर कॉमनली देखिएगा तो ये जो है आपका पेपर 2 है, सॉरी पेपर 3 है, जो कि जीएस पेपर हम लोग 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पेपर 3 में आपको पढ़ना क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और यहाँ पे आपका हिस्ट्री जो है वो झारखंड का भी हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी जो है वो झारखंड का भी यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ना है। यहाँ पे 3 घंटा का ये एग्जाम होगा, 200 मार्क्स इसमें रहेगा, और उम्मीद करते हैं ये डिस्क्रिप्टिव होगा, ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे लिखना होगा। हाँ, लेकिन 20 ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कोई डिटेल जब हम लोग चर्चा करेंगे उसमें भी हम लोग यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेपर, यहाँ पे अगर आप 4 देखिएगा जो कि जीएस पेपर के तौर पे देखेंगे तो जीएस पेपर 2 हम कर सकते हैं, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इसमें भी 3 घंटा होगा और 200 मार्क्स, और ये भी डिस्क्रिप्टिव ही यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो पेपर 5 है, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जीएस पेपर 3 है, और इसमें भी वही 3 घंटा, 200 मार्क्स, और ये भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा। फिर आपका 6ठा पेपर जो रहेगा, जो कि पांचवा पेपर है, जो कि जीएस पेपर हम 3 बोल रहे हैं, वो इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है, और लास्ट पेपर जो है 6ठा पेपर वो जो है आपका साइंस से संबंधित है, और इन्वायरमेंट से, और जो आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उससे संबंधित है। तो देखिए, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ सकता है, ये तो साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वो दूसरे एग्जाम में भी आता है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब जगह आता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री जो है वो भी आप देखिएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जनरली एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इसके लिए पढ़ना है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं मेंस में भी आपका 20 क्वेश्चन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी कि लिखने के लिए जो आएगा वो 160 मार्क्स का ही आएगा, आपका 40 मार्क्स जो होगा वो एमसीक्यू ही होगा, तो आप एमसीक्यू बेस से ही पढ़िए, थोड़ा बहुत टाइम को मत वेस्ट कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे इन सब चीजों को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हम एक्चुअल यहाँ पे आपको क्वेश्चन हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं, और अलग अलग यहाँ पे हम प्लेलिस्ट बना देंगे पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, पेपर 3, पेपर 4, है ना, जो भी जीएस वाला हम बात कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा बहुत आपको डिटेल वाइज बताने का प्रयास करेंगे कि उस पेपर में क्या क्या टॉपिक दिया गया और उसमें क्या क्या चीज हम लोगों को पढ़ना और कैसे पढ़ना है, जो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ मेरा जो समझ है उसके अनुसार आपको हम थोड़ा सा बताने का वहां पे प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आता है, तो हम सारा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि आपको, है ना, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये सारा प्रश्न जो है वो हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, ये 6 पेपर है और 6 पेपर उम्मीद करते हैं आप जो है समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा पेपर है। ये तो सिलेबस था, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है
ये जो है आपका देख पा रहे होंगे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है। चलिए इस जनरल हिंदी और इंग्लिश में क्या दिया गया है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपका दिया गया है कि यहाँ जो है टोटल 100 मार्क्स का है, कुल यहाँ पे हिंदी का भाग जो है वो 50 मार्क्स का है और अंग्रेजी जो है वो कितना रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा। देखिए हम डायरेक्ट सिलेबस में नहीं जा रहे, क्वेश्चन में जा रहे हैं, सिलेबस अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां क्या लिखा हुआ है वो हम आपको बता देंगे, यहाँ इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी वाला को हिंदी देवनागरी लिपि में लिखना है, इंग्लिश वाला को आपका रोमन लिपि में लिखना है, ये सब तो आता है। देखिए जब हिंदी पेपर दीजिएगा तो वहां पे आपको क्या आएगा, निबंध लिखने के लिए आएगा जो कि कितना शब्द के लिए रहेगा 400 शब्द में। तो इस तरह से पांच निबंध देखने को मिलेंगे जिसमें से एक निबंध जो है आपको इनमें से लिखना है, तो आप 400 शब्दों में लिख सकते हैं, बहुत आसान है। और इसमें हम बार बार करें क्वालिफाइंग यहाँ पे है, तो आपका केवल इतना ही इसमें मेहनत करना है कि जितना से आप जो है वो पास कर जाए। तो देखिए यहाँ पे है अगला जो यहाँ पे दिया गया है, कुछ व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें यहाँ पे है ना 3-5 मतलब यहाँ पे दिया गया है 5 या 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से यहाँ पे दीर्घ संधि क्या है, स्वर व्यंजन का अंतर स्पष्ट कीजिए, सर्वनाम से क्या तात्पर्य है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आप व्याकरण में पढ़े उसको यहाँ पे लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप से लिखना होगा और उसी के अनुसार यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और तीनों का 5-5 मार्क्स है, इस तरह से 15 मार्क्स का आपका व्याकरण का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ मुहावरे यहाँ पे पूछा गया है, उसका अर्थ लिख के वाक्य बनाना है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से किसी 5 वाक्य को क्या कीजिए, शुद्ध कीजिए, यानी वाक्य शुद्धि। अगर आप जीडी का भी तैयारी करते हैं तो वहां पे भी SSC GD वहां पे भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या आएगा, संक्षेपण। तो इस तरह से यहाँ पे आप संक्षेपण कर दीजिए, एक तिहाई वर्ड में यहाँ पे संक्षेपण कर दीजिएगा तो हो जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हिंदी दिया गया था उसी तरह से इंग्लिश यहाँ पे 400 वर्ड में यहाँ पे आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है। यहाँ 4 आपको ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपका क्या किया है कि जो भी यहाँ पे आपका खाली स्थान यहाँ पे आप भर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं अप्रोप्रिएट आर्टिकल करके यहाँ पे दिया गया, तो जो भी नेसेसरी है वो ग्रामर जब आप पढ़ते होंगे तो वहां पे आपको आइडिया हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे भी आपको खाली स्थान क्या करना है, भरना है। तो इस तरह से ग्रामर वगैरह थोड़ा बहुत आपको आता होगा तो वो आप भर लीजिएगा, और नहीं तो इंग्लिश में किसी को ज्यादा परेशानी है तो उसके लिए है कि यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को आप आराम से ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसी पैसेज से क्या मिलेगा आपको, कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। इतना तो आप उम्मीद करते हैं बना ही लीजिएगा, हिंदी जिसका इंग्लिश एक तरह से कहिए अच्छा है वो इंग्लिश को बना लेगा, हिंदी को थोड़ा कम बना लेगा, जिसका हिंदी अच्छा है वो हिंदी को बना लेगा ज्यादा और इंग्लिश को थोड़ा बहुत बना लेगा ताकि वो जो है पासिंग मार्क्स वो ला पाए। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको प्रिसाइज करना है, संक्षेपण करना है, हिंदी में भी संक्षेपण करना और इंग्लिश में भी आपको संक्षेपण करना है। तो ये था आपका हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग मार्क्स। तो इसमें तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, 50 क्वेश्चन है या सॉरी 50 नंबर का दोनों पेपर हिंदी और इंग्लिश है, दोनों में केवल आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे लाना है। चलिए अब यहाँ पे आप देखिएगा सेकंड जो है वो आपका लैंग्वेज पेपर होता है जो कि आप चूज करते हैं, और इसमें जो मानी चलिए अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दिखाते हैं नागपुरी का, तो इसी तरह से हो सकता है किसी का इंग्लिश होगा, किसी का हिंदी होगा, किसी का कोटा होगा, किसी का कोई दूसरा लैंग्वेज होगा, तो उसमें अलग अलग जो है क्वेश्चन का हो सकता है मार्किंग हो सकता है। ये नागपुरी में दिया गया था तो यहाँ पे दिया गया था कि पहला और पांचवा क्वेश्चन जो है वो अनिवार्य है, ये सब चीज को ध्यान में रखिएगा कि खंड का जो पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसको बनाना है, और यहाँ पे जब दूसरा खंड जाएंगे तो उसका जो पांचवा क्वेश्चन होगा या इसी खंड का जो पांचवा क्वेश्चन होगा उसको आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि 5 क्वेश्चन जो है उसको आपको क्या करना, 1 और 5 अनिवार्य है और कम से कम यहाँ पे एक तो सवाल का जवाब एक खंड से आपको देवे जरूरी है करके यहाँ पे बोल रहा है, मतलब एक खंड से कम से कम एक सवाल तो आपको देना है। तो ये अलग अलग लैंग्वेज पेपर है, इसमें ज्यादा हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करते हैं। अगर आपका नागपुरी है तो नागपुरी देख सकते हैं, और अगर आपका दूसरा सब्जेक्ट है तो दूसरा सब्जेक्ट देख सकते हैं। ये आप कॉमन हो गया है और इसमें हम लोग एक तरह से कह सकते हैं सभी विद्यार्थियों का एक ही यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला जो पेपर आने वाला है, पेपर 3 आने वाला है, जो कि हम लोग कह सकते हैं जीएस पेपर जो है आपका प्रथम है, मतलब जीएस में से ये जीएस हम बार बार कर रहे हैं 3rd पेपर और GS 1, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, मतलब 4 जीएस के पेपर होते हैं जो कि सबके लिए कॉमन होते हैं, इसलिए हम बार बार कर रहे हैं ये GS 1 है 2 है, अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप इसी पेपर को ले सकते हैं। चलिए तो पेपर 3 के अनुसार, तो पेपर 3 में आप देख लीजिए क्या है, आपका सोशल साइंस है जिसमें हिस्ट्री और आपको ज्योग्राफी देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है, और यहीं से आपको अपने आप को थोड़ा सा
यहाँ पे कहते हैं ना एक स्ट्रेटजी जो है वो तैयार करना। सिलेबस अभी हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, वो चीज हम अलग प्लेलिस्ट बना के बनाएंगे। यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको देने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो सबसे पहला जो सेक्शन आपका आएगा हिस्ट्री का आएगा, और दूसरा सेक्शन जो आएगा वो आपका ज्योग्राफी का आएगा। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखिएगा, बोलता है प्रश्न संख्या एक का उत्तर देना क्या है अनिवार्य है, जिसमें दो अंक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, परीक्षार्थी चार है ना, फिर है परीक्षार्थी चार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से किसी दो का आपका उत्तर दे, और प्रत्येक जो है यहाँ पे आपका 40 मार्क्स का है। यानी एमसीक्यू अगर आप देखिएगा तो एमसीक्यू आपका यहाँ पे कितना है 10 क्वेश्चन है, 10 गुना 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 मार्क्स का। इसलिए हम बार बार करें एमसीक्यू का भी आप तैयार करते रहिए, क्योंकि मेंस में भी ये काम करेगा। उसके बाद दो क्वेश्चन आपको बनाना है जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, और डिस्क्रिप्टिव वाला में एक प्रश्न का जो क्वेश्चन का एक तरह से ये मार्क्स है वो 40 है, तो इस तरह से टोटल जो है 80 मार्क्स का हो गया। तो 80 और 20 कितना हो गया 100, तो हिस्ट्री में 100 आ जाएगा, और उसके बाद जो ज्योग्राफी है उसमें भी 100 आएगा। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो आप टेलीग्राम चैनल में हम बार बार कर रहे हैं डाला हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना स्ट्रेटजी जो है वो बनाना होगा। यहाँ पे देखिए आपको चार क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, और चार क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन आपको देखने बोला गया है कि यहाँ में से कितना प्रश्न को बनाना है, दो प्रश्न को आपको यहाँ पे बनाना है। अब इस चार प्रश्न को ध्यान से सुनिए। यहाँ बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता के विशेष प्रभावशाली विशेषता की चर्चा करें। एक क्वेश्चन है जो कि एक तरह से कह सकते हैं ये प्राचीन भारत से है, उसी तरह से शेरशाहसूरी की उपलब्धियों और योगदान के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये मध्यकालीन से है, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये आपका कहाँ से है आधुनिक से, आधुनिक एक तरह से कह सकते हैं इतिहास से है। और लास्ट का जो है वो झारखंड के इतिहास है, जो कि है बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी एवं हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया, आप इस कथन से कहां तक सहमत है। तो ये जो है आपका कहां से संबंधित है, झारखंड के इतिहास से संबंधित है। अब एक चीज गौर कीजिए, आपको इतिहास में चार सेक्शन पढ़ने हैं, तीन प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत, वो चीज भारत के इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं, वो तीन सेक्शन पढ़ना है, एक सेक्शन पढ़ना है आपका झारखंड का इतिहास। तो चारों सेक्शन आपको बहुत ज्यादा डिटेल में तैयार नहीं करना, इस चीज को आप समझिए, और नहीं तो पता चला कि आप इतिहास पढ़ते ही सारा समय गुजार दिए और बाकी सब्जेक्ट आपका छूट गया। इसमें आपको करना क्या है कि जो भी आपको ज्यादा लगता है कि आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल है तीन सेक्शन में, जैसे आप हो सकता है किसी को प्राचीन सेक्शन में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता होगा या ज्यादा समझ में आता होगा या डिस्क्रिप्टिव ज्यादा वो लिख सकते हैं, तो प्राचीन भारत को तैयार कीजिए। किसी को लगता है मध्यकालीन हम तैयार कर सकते हैं तो उसको तैयार कीजिए। किसी को लगता है आधुनिक में मेरा पकड़ ज्यादा है तो आप आधुनिक को तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको चार प्रश्न में यहाँ पे दो ही प्रश्न आपको क्या करना है देना है, तो दो ही प्रश्न देना है, तो कोई एक सेक्शन को आप बहुत डिटेल में तैयार कर लीजिए, ताकि अगर उस सेक्शन से कोई भी सवाल आपको पूछा जाए तो आप उसका सही जवाब दे पाए। तो बाकी दो सेक्शन आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अगर कोई प्राचीन तैयार कर रहा है तो मध्यकालीन आधुनिक छोड़ सकता है, लेकिन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं बहुत जो डीपली स्टडी जो होता है, जो कि आप लिखने के लिए स्टडी करते हैं, वो पहले एक सेक्शन को आप क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप मध्यकालीन कर रहे हैं तो प्राचीन और आधुनिक छोड़ दीजिए, अगर आधुनिक कर रहे हैं तो प्राचीन और आपका मध्यकालीन को छोड़ दीजिए। और हम एक चीज ये कहेंगे कि झारखंड को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि झारखंड का जो सिलेबस है इन तीनों के से अगर कंपेयर कीजिएगा, प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक से कंपेयर कीजिएगा, तो झारखंड का सिलेबस भी छोटा है। और दूसरा, अब चूंकि झारखंड का सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं और झारखंड का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो थोड़ा अटपटा लगता है, इसीलिए आपको हम ये करें कि ये जो क्वेश्चन है, जो चौथा क्वेश्चन है झारखंड से रिलेटेड, इसको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। और बाकी आप जो तीन सेक्शन है उसमें से एक सेक्शन जो है वो ढूंढ के यहाँ पे आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हिस्ट्री। इसी तरह से यहाँ पे ज्योग्राफी आप देखिएगा, तो ज्योग्राफी में उसी तरह से एमसीक्यू जो है आपको कितना देखने को मिलेगा, आपको 10, और इस तरह से दो दो मार्क्स हो गया, तो 40 मार्क्स का जो है आपका एमसीक्यू यहाँ पे 40 मार्क्स का क्या हो जाएगा, एमसीक्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको बनाने होंगे जो कि 40 मार्क्स का होगा, और इस तरह से 80, तो यहाँ पे भी आपका 100 मार्क्स, तो टोटल पेपर 200 मार्क्स का इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसको आप देख सकते हैं, और इसलिए हम बार बार करें ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे आएगा, और ऑब्जेक्टिव में ठोस नंबर आपका आता है। मतलब अगर आप 20 सवाल एक पेपर में सही कर देते हैं तो 40 मार्क्स तो आपको ऐसे आ गया,
आपका इतिहास में 20 मार्क्स और ज्योग्राफी में 20 मार्क्स, तो 40 मार्क्स ऐसे आ गया। और समझिए अगर आप 135-136 अगर लाना चाहते हैं तो आपको मात्र आप 95 नंबर यहाँ पे क्या करना है लाना होगा, 95 या 100 नंबर जो भी आपका टारगेट होगा उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं ला सकते हैं। तो चीजों को थोड़ा सा समझते हुए चलना होगा, स्ट्रैटेजी आपको बनाना होगा, सही तरीके से बनाना होगा, मतलब ऐसा नहीं कि फालतू का यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं पढ़ पढ़ के, वैसा नहीं है, चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ज्योग्राफी में भी आपको 4 सेक्शन पढ़ने हैं जिसमें से आपका 2 प्रश्न जो है आपको बनाना होगा, और इसमें भी एक जो है झारखंड ज्योग्राफी से संबंधित है, और हम बार बार कर रहे हैं इसका क्या टॉपिक है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, एक ही वीडियो में सारा चीज बताना संभव नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है, जैसे कि पिछला सेक्शन में बोले कि झारखंड का ज्योग्राफी जो है, इतिहास जो है वो तो बनाना ही बनाना है, उसी तरह से झारखंड का जो ज्योग्राफी है उसको भी यहाँ पे क्या करना है बनाना है, उसको आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, तो यहाँ पे दिया गया उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए, ये चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं, प्रायः कौन मार्ग से गुजरते हैं। तो इस तरह से आपको इसको डिटेल में लिखना है, और 40 मार्क्स का है तो समझ लीजिए कम से कम आपको 1000 से 1500 वर्ड के बीच आप जिसमें कंफर्टेबल है वहां पे आप लिख सकते हैं। देखिए आपको इतना वर्ड में लिखना ही पड़ेगा तभी जाके, और ऐसा नहीं है कि केवल शब्द को देख के ही मार्क्स दे रहा, आपका कंटेंट का क्वालिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी तो भर दिए 10 पेज दूर दूर में लिख के, बड़ा बड़ा लिख के, तो ऐसा मत समझिए कि ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, ये सिविल सर्विस का एग्जाम हो रहा है, तो कॉपी भी उसी तरह से कटा जाएगा। आपका क्वालिटी भले कम, क्वांटिटी भले कम हो, क्वालिटी आपका अच्छा होना चाहिए। मैपिंग अगर करना है तो मैप वगैरह बना सकते हैं, जो कि अलग अलग वीडियो में हम लोग चर्चा भी करेंगे। भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण और इसकी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर संबंध में वर्णन कीजिए, इस तरह से दिया गया। और उसके बाद दिया गया भारत में लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना और विकास के कार्यों की समीक्षा कीजिए, और लास्ट में झारखंड के कोयले की उत्पत्ति का विकास कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं लास्ट वाला जो सेक्शन है झारखंड से जो संबंधित है, चाहे वो इतिहास हो चाहे ज्योग्राफी हो, इसको तो आपको तैयार करना ही करना है। बाकी जो 3 सेक्शन ज्योग्राफी में दिए गए हैं जिसको हम लोग दूसरे वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, उन 3 सेक्शन में फिर से हम बोल रहे हैं एक सेक्शन को बहुत अच्छे से क्या कर लीजिए आप तैयार कर लीजिए, और 2 सेक्शन को थोड़ा ऊपर ऊपर आप ले, फिर आपको टाइम मिलेगा तो आप बाकी 2 सेक्शन को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर लिखने का जो एक प्रैक्टिस होता है वो पहले कोई एक सेक्शन में कीजिए, दूसरा सेक्शन को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत देखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका समय बचेगा तो आप दूसरे पेपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो बार बार हम कह रहे हैं कि पता चला कि यहाँ इतिहास लिए और इतिहास में पूरा जीवन जो है समाप्त हो गया, एग्जाम पहुंच गया, बाकी इधर पॉलिटी वॉलिटी तो कुछ पढ़ने ही नहीं सके। अब देखिए दूसरा हम लोगों का जो सेक्शन है वो संबंधित है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे गुड गवर्नेंस से संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी बस वही है, 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टोटल पेपर मिला के, और 20 प्रश्न के 2-2 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे 40 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और बाकी 160 मार्क्स जो है आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मतलब लिख के आपको वहां पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दीजिए, देखिएगा तो यहाँ लिखा है खंड अ में यहाँ पे 20 प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ है, और ब में कुल 8 वैकल्पिक प्रश्न है, यानी 8 प्रश्न है, और इसमें से मात्र बनाना आपको कितना है 4। अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो कि हो सकता है पता नहीं आप लोग ध्यान दिए थे कि नहीं, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप चीजों को ध्यान पूर्वक देखिएगा तो बहुत सारा चीज जो है आपको पता चलेगा। तो इस तरह से ये तो 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी से भी संबंधित है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी संबंधित है। देखिए यहाँ 16 नंबर आ गया, ये 18 हो गया, और ये 20 यहाँ पे ये आपका क्या हो गया 20 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो 20 क्वेश्चन आपको लगातार मिल जाएगा, 20 क्वेश्चन में से कम से कम 17-18 भी सही कर लेते हैं तो बहुत मार्क्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ठोस मार्क्स मिलता है, इसमें कितना लिखे हैं कितना अगला दिया नहीं दिया उसके मन पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सही किए तो सही मार्क्स मिलेगा, गलत किए तो आपको सीधे सीधे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन बी में क्या चीज है उसको आप ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं, फिर जूम हम कर देंगे। यहाँ पे कुल मिला के आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 8 क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बनाने कितने हैं 4। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, फिर सेकंड लिखा गया, थर्ड लिखा गया, और कहीं पे दिया गया नहीं अथवा कहीं नहीं लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, और यहाँ 7, और फिर क्या लिखा है 8 लिखा है। अगर आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि दो सेक्शन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी और पॉलिटी भी। हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस हमको नहीं आ रहा है या डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं आ रहा है, हम उसी में उलझ गए, और पॉलिटी जो कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसको पढ़ते ही नहीं है। आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी अगर आप पढ़ के गए होंगे और उसमें से कोई एक सेक्शन भी कोई पढ़ के अगर गया होगा तो कोई एक सेक्शन वाला भी अच्छा सा अगर पढ़ के गया होगा तो केवल पॉलिटी बनाएगा,
कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छा से बन के पढ़ के गया होगा तो केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो खंड बांटा ही नहीं है, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा ही नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि इस बार भी वही आ सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम हॉल में तुरंत आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि हम पॉलिटी, मेरा अच्छा कमांड है तो हम क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ क्वेश्चन को क्या करें, अटेम्प्ट है, ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि अगला एग्जामिनर सोचेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक टॉपिक है, वहां स्टूडेंट को एक तरह से कहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, वो सोचेगा ठीक है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं तो अगला क्या सोचेगा, उसमें नहीं जाना है, आप किस में बेहतर लिख सकते हैं उसमें जाना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई पॉलिटी भी अगर तैयार करके गया होगा तो बहुत अच्छे से वो लिख लिया होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर दिया होगा तो उसका काम चल जाएगा। और ये सब चीज आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आप रियल चीजों को नहीं देखिएगा कि सिलेबस क्या है, एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ये सब चीज को देखिएगा नहीं है तो हवा हवाई में बात करने से कुछ एग्जैक्ट पता चलता नहीं। यहाँ पे देखिए आपका सवाल क्या दिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाणी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की उभरती प्रकृति और क्षेत्र का आलोचनात्मक व्याख्या करें, इस तरह से है। दूसरा है, भारतीय संविधान की एकात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है जबकि संघीय तत्व गौण हो जाते हैं, क्या आप सहमत है, अपने उत्तर का समर्थन के साथ यहाँ पे क्या कीजिए, तर्क देखिए। तो अगर आपका पॉलिटी है तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, दूसरा मतलब पॉलिटी में अगर बेहतर ये पकड़ है तो गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रही है, विश्लेषण करें, इस तरह का प्रश्न दिया गया। उसके बाद आपको देखिए क्या दिया गया है, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि देखिए 40 मार्क्स का यहाँ पे था, यहाँ पे इसको दो दो पार्ट में क्या किया गया है, बांट दिया गया, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 20-20 मार्क्स में यहाँ पे क्या कर दिया है, बांट दिया गया। तो बड़ा क्वेश्चन को छोटा भी कर सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रखना। और ये फिर बार बार हम क्यों बोल रहे हैं क्वेश्चन देखने के लिए, यही सब चीज जो है वो आपको सिलेबस डायरेक्ट पढ़िएगा तो वहां हो सकता है नहीं पता चलेगा, लेकिन क्वेश्चन देखिएगा तो पता चल जाएगा, इसलिए पहली बार में हम क्वेश्चन ही दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बोलता है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रभाव और राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, तो देखिए ये छोटा टॉपिक है, अगर आप इसको 500 वर्ड में यहाँ पे लिखते हैं या 600 वर्ड में यहाँ पे लिखते हैं, इसको भी 500 वर्ड में और 600 वर्ड में यहाँ पे आप लिखते हैं तो देखिए होता क्या है ना, एग्जामिनर को 40 मार्क्स में यहाँ पे 30 मार्क्स देने में थोड़ा सा डर लगता है, या डर क्या लगता है मतलब लगता है कि हम कैसे दें 30-32 मार्क्स कैसे दें। लेकिन अगर दो प्रश्न का यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे अगर 20 मार्क्स का है तो यहाँ पे 15 मार्क्स दे सकता है, क्योंकि 15 उसको छोटा नंबर लगता है और 30-32 जो है एक तरह से उसको दिमाग में रहता है कि ये बहुत बड़ा नंबर है, इतना मार्क्स जो है हम कैसे दे दें। तो अगर दो अटेम्प्ट करते हैं तो दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से हमको, जहां तक आपका हो सकता है कोई दूसरा सोच होगा वो आपका अनुसार है, लेकिन हमको लगता है कि अगर दो प्रश्न आपको कहीं पे मिल रहा है दो सेक्शन में तो दो खंड वाला को आप अच्छे से लिख सकते हैं अगर आप उसके बारे में पढ़े हुए हैं तो, और उसमें मार्क्स में मिलने का जो संभावना रहता है वो भी ज्यादा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे 32 नंबर दे उससे है ना उसका चांस कम है, लेकिन 16-16 मार्क्स दे दे उसका चांस क्या है ज्यादा। इसीलिए प्रयास कीजिए अगर छोटे प्रश्न आपको मिलते हैं तो छोटे प्रश्न को अटेम्प्ट करने का। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है कि आपको नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका को अति करना और जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटी ही पढ़ के जाना, हम एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि अगर पॉलिटी में आपका बहुत अच्छा पकड़ है तो आप उसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ना ही देना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके हो सकता है स्ट्रेटजी बदल जाए, वहां अलग अलग सेक्शन दे दे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अलग और पॉलिटी का अलग, तो उस समय आप ये नहीं बोल सकते कि आप तो ये बोले थे कि यहाँ पे जो आपको दोनों मिक्स करके देगा जो भी बनाना होगा बना लेंगे, ऐसा नहीं है कि ये आपको सिलेबस दिया गया तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए दिया गया। हम हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सेक्शन तैयार करें तो बाकी सेक्शन छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं पहले आपके पास कम समय है इसलिए एक सेक्शन को तैयार कीजिए, बाकी सेक्शन को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, समय मिलेगा तो बाकी सेक्शन को भी आप तैयार कर सकते हैं। चलिए उस तरह से यहाँ पे आपदा प्रबंधन से एक सवाल यहाँ पे देखिए, आपदा प्रबंधन और तैयारी जिला प्रशासन से संबंधित एक घटना दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, क्या आप सहमत है कि भारत में मौजूदा संस्थागत ढांचे के कारण सुशासन लागू हुआ है, उत्तर समर्थन के कारण देखिए। तो स्पष्ट यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट गुड गवर्नेंस लिखा हुआ है सिलेबस में, तो आपको देखिए एग्जामिनर क्या होता है जब सिलेबस देखता है तो वो क्या क्या प्रश्न पूछना है वो देखता है, तो अगर लिखा हुआ एक टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट एंड गुड गवर्नेंस जो कि छोटा टॉपिक हम कर सकते हैं तो उसको आप जरूर तैयार करके ले जाइए, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर कहीं ना कहीं दो टॉपिक से एक सवाल तो आपको देगा ही देगा। तो देखिए इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट और गुड गवर्नेंस लिखा है तो यहां सवाल आने के बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए दो टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, हो सकता है एक सवाल भी आपको देखने को मिल जाए तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अलग अलग स्ट्रेटजी है जो कि अलग अलग वीडियो में हम लोग जो है वो इस पे चर्चा करेंगे, एक ही वीडियो में सब चीज बताना संभव नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं कि
हमको तो ये भी लगता है कि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोग वीडियो को अभी तक स्किप भी कर लिए होंगे कि हम क्यों जाने या क्या जानेंगे, जब पीटी पास करेंगे तब देखेंगे या पास नहीं कर रहे तो नहीं देखेंगे। लेकिन इस सब चीज को समझना होगा, यहाँ तक आप देख रहे हैं तो हमको ये हम आपको कह सकते हैं कि आप थोड़ा तो सीरियसनेस होंगे इस एग्जाम को लेके और चीजों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे, इसलिए ये वीडियो को आप देख रहे हैं यहाँ तक। चलिए यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं लास्ट में इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर जेपीएससी के सिलेबस में सबसे टफ सिलेबस कहा जा सकता है, देखिए हम टफ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये टफ सब्जेक्ट है, हो सकता है आपके लिए इजी होगा। सबके लिए टफ और इजी का परिभाषा अलग अलग होता है, किसी सब्जेक्ट में कमांड होता है तो वो उसके लिए इजी हो जाता है, किसी में टफ होता है तो हम ये कहते हैं कि वो जो है टफ है। और देखिए टफ और इजी हम पहले मानते हैं, जब एग्जाम दीजिएगा तो पता चलता है कि नंबर से पता चलता है कि कोई सब्जेक्ट जिसको आप टफ मान रहे थे वही इजी। जैसे हम अपना एग्जांपल दें तो जो सातवां जेपीएससी था मेरा पेपर वन में, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो हमको एक तरह से कहते हैं आसान लगता है, या पॉलिटी है वो आसान लगता है, उसमें हमको पॉलिटी में कितना मिला 111 और इसमें कितना मिला 107 हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला में। लेकिन जो साइंस है और इकोनॉमिक्स है जो कि कहा जाता है टफ मार्क्स है या टफ सब्जेक्ट है, उसमें हमको 120 मार्क्स मिला। तो आप जो है ये नहीं कह सकते हैं कि आप जिसको टफ मान रहे हैं वो आपके लिए टफ है। और कभी कभी हम लोग होता भी क्या है ना कि जो सब्जेक्ट को हम लोग टफ मान लेते हैं उसमें ज्यादा तैयारी करते हैं और उसमें ज्यादा मार्क्स मेरा आ जाता है, और जिसको इजी वे में लेके चलते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, ले दे के डूब जाता है। जैसे कि हम लोग नागपुरी का मेरा बात करेंगे कभी कभी, तो नागपुरी का मेरा मार्क्स जो आया था छठी जेपीएससी में 104 नंबर आया था, लेकिन सातवीं वाला में देखिएगा मात्र 56 नंबर आया है। ये क्यों आया ये भी हम आने वाले समय में बताएंगे, और ये सब गलती आप मत कीजिए, ये भी हम आपको आने वाले समय में बताने का प्रयास करेंगे। अभी ये सब चीज में हम लोग ज्यादा नहीं जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जो है इसका सिलेबस को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी केवल थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे भी वही बात है, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत जो है आप जो है इसको उम्मीद करते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं तो डायरेक्टली आप जेपीएससी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, चार सेक्शन है, चारों में ओर ओर करके दिया गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्शन आप स्किप करके, देखिए ना अभी हम बोले पॉलिटी में कि आप पॉलिटी पढ़ के जाइए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन नहीं भी बनाएगा तो काम चलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए वैसा नहीं है। आपको यहाँ चार सेक्शन दिया है तो चारों सेक्शन पढ़ना होगा, क्योंकि चारों सेक्शन से यहाँ पे सवाल दिया गया है। यहाँ पे देखिए चार सेक्शन में, यहाँ पे पहला सेक्शन से यहाँ पे दिया गया है पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय को मापने के विभिन्न तरीकों की चर्चा कीजिए, बजट पर एक निबंध लिखे, बजट के सिद्धांतों के प्रकार की व्याख्या करें। तो ये सेक्शन आपका टू है, और इसमें एक प्रश्न दिया गया, एक प्रश्न करने का मतलब अथवा के साथ दिया गया, इसको आप बनाइए और उसके बाद आप 40 मार्क्स इसमें ला सकते हैं। फिर खंड दो है, चार सेक्शन है, सिलेबस को हम बार बार करें, अलग से चर्चा करेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ से समझ में आ जा रहा होगा। तो इस चार सेक्शन में जो आपका खंड तीन है उसमें आप देखिएगा, तो यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया, सतत विकास अभिव्यक्ति की उत्पत्ति क्या है या पर्यावरण की सुरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है, इस कथन की व्याख्या करें, राज्यों को हरित जीडीपी के मापन शुरू करेगा। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब इस शब्द का प्रयोग किया गया, इसको लेके अलग अलग लोग जो है सोर्स दे रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अलग मैटर है, उसको छोड़ दीजिए यहाँ पे, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद भारतीय पंचवर्षीय योजना पर एक नोट लिखे, तो ये जो है हम लोगों का दूसरा सेक्शन जो है हम लोग का सिलेबस का, यहाँ भले खंड तीन दिख रहा है वो अलग चीज है, सिलेबस देखिएगा तो चार खंड आपको देखने को मिलेगा, चार खंड में ये दूसरा खंड का है, एक खंड चूंकि ये दे चुका है एमसीक्यू इसलिए वो पहला खंड उसको मान लिया है, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ा रहा, वैसा कुछ यहाँ पे है नहीं, उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पे आपका देखिएगा खंड चार में, और सिलेबस के अनुसार अगर ले तो तीसरा सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक सिंहावलोकन करें और हाल ही में भारत के लिए किए गए कृषि सुधार की व्याख्या करें, ऐसा करके यहाँ सवाल पूछा गया, इसको भी आप बनाइए और यहाँ पे आपको 40 मार्क्स मिल सकता है। लास्ट सवाल यहाँ पे देखिए, झारखंड सरकार के सार्वजनिक उधार के स्रोत, यहाँ पे भी झारखंड का इकोनॉमिक्स पढ़ना है लास्ट वाला, और हम बोलते हैं जहाँ पे भी झारखंड है उसको आपको बनाना जरूरी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी चूंकि कॉमन सब्जेक्ट है इसलिए आप कोई एक टॉपिक बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां झारखंड का सवाल है आप झारखंड का सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं तो वहां का सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो गलत इंप्रेशन जाता है, इसलिए जहां पे भी झारखंड का उल्लेख है वो तो आपको बनाना ही बनाना है। विकास संबंधी चिंताओं को दूर करने के मार्ग में झारखंड के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की संक्षेप में क्या करें चर्चा करें। तो इस तरह से यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी चार सेक्शन है, चारों सेक्शन से एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे, चारों सेक्शन से आपका डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाएगा 40-40 मार्क्स का। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हैं चार सेक्शन में हम कोई एक सेक्शन तैयार करें बाकी सेक्शन छोड़ दें, क्यों, क्योंकि हर एक सेक्शन से आपको एक एक सवाल यहाँ पे अथवा के साथ पूछा जा रहा है। चलिए अब लास्ट, यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा चला गया है और यहाँ तक आप देख रहे हैं
तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं और हम थोड़ा बहुत आपको समझा पा रहे हैं। बार बार हम यहाँ पे टाइम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये एक ही घंटा का यहाँ पे रिकॉर्ड होता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है, तो हमको ये देखना पड़ता है कि कहीं बंद तो नहीं हो गया रिकॉर्ड। चलिए लास्ट है जनरल साइंस, और जनरल साइंस एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट यहाँ करके यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बाकी हम लोग पढ़े उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे पांच सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे और पांच सेक्शन देखने को मिलेंगे तो ऑब्जेक्टिव तो आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा, सॉरी 20 मार्क्स का हम बोल रहे हैं, मतलब 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 40 मार्क्स का होगा, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो 5 क्वेश्चन का होगा और यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे हाँ 5 क्वेश्चन होगा और 16 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चन होगा, 16 मार्क्स का नहीं होगा, ये 32 मार्क्स का होगा। सॉरी यहाँ पे 16 मार्क्स का कैसे होगा, हाँ यहाँ पे माफ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 20 क्वेश्चन होगा, ये 40 मार्क्स का हो गया और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो 32 मार्क्स के होंगे, तो 160 प्रश्न यहाँ पे 160 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे वो 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव था, यहाँ पे चूंकि 5 क्वेश्चन है इसलिए 5 को 32 नंबर में डिवाइड किया गया, तो एक प्रश्न आप बनाइएगा तो आपको 32 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। तो शुरुआत का तो जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है वो आपको देख ही लीजिएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वाला जो प्रश्न है उसको हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो 20 क्वेश्चन लगातार आपको यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया, उसके बाद यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और 5 है तो 5 × 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, 10 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बनाना है क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ पे भी अथवा अथवा अलग अलग सेक्शन के साथ दिया गया, मतलब एक साथ नहीं दिया है, तो ये नहीं कह सकते कि कोई एक सेक्शन तैयार करेंगे बाकी सेक्शन छोड़ देंगे, आपको हर एक सेक्शन पांचों सेक्शन तैयार करना ही करना होगा। देखिए यहाँ पे देखा पहला क्वेश्चन जो है फिजिक्स से संबंधित है, इकाई से आप क्या समझते हैं, यानी इकाई करने का मतलब यहाँ यूनिट एंड डायमेंशन वाला है। इकाइयों की एमकेएस सीजीएस और एसआई प्रणाली को परिभाषित करें, एक मानक इकाई की विशेषता क्या है, एसआई प्रणाली के लाभ लिखिए। उसके बाद है सूर्य के साथ पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति की व्याख्या करने वाले नियमों को लिखिए और समझाइए। ग्रहण से आप क्या समझते हैं या कैसे घटित होता है, सूर्य ग्रहण को स्वच्छ और साफ चित्र बनाइए और सुरक्षित देखने के रूप को तरीके बनाइए। साइंस में जब भी इस तरह का डायग्राम बनाने का आपको ऑप्शन मिलता है तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, इसीलिए हम बोले कि 120 मार्क्स जो आने का कारण है, और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा बहुत ज्यादा मार्क्स आया, हम बार बार ये नहीं बोलते हैं। 135 मार्क्स और 36 मार्क्स का भी आपको एग्जाम्पल हम दे चुके हैं कि जो कि साइंस में आ चुका है, तो वो लोग हो सकता है दूसरा उसका स्ट्रेटजी होगा, लेकिन अभी हमको ये प्लेटफॉर्म मिला है तो हम अपने अनुसार बता रहे हैं। अगर आप में से कोई अपने अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप जरूर हमसे कॉन्टेक्ट करने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा अलग अलग डायमेंशन देखने को मिल रहा है कि पहला सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति की व्याख्या करने के लिए बोला जा रहा है, उसको आप लिख सकते हैं। फिर ग्रहण को आप क्या समझते हैं, ग्रहण क्या समझते हैं, कैसे घटित होता है वो बताना है, डायग्राम बनाने के लिए भी बोला जा रहा है, तो ये सब में आपका ज्यादा चांस होता है कि मार्क्स जो है बहुत आसानी से आपको मिल जाए। उसके बाद देखिए लेकिन वही चीज आप यूनिट और डायमेंशन में लिखिएगा तो ना आप बहुत ज्यादा फोटो बना सकते हैं ना ही इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आप लिख सकते हैं, तो आपको चीजों को समझना होगा, ये चीज आपको एग्जाम हॉल में ही डिसाइड करना होगा। देखिए जब एग्जाम हॉल में नहीं रहते तो चीजों को तो आप बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाएं और उस समय डिसीजन लेके आप सही डिसीजन लेके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ये सबसे बहुत मायने का काम रहता है। चलिए यहाँ पे दूसरा दिया है बायोलॉजी से, आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, वे स्वास्थ्य के रख रखाव के लिए क्यों आवश्यक है, विटामिन्स क्या है, किन्हीं 3 बीमारियों का वर्णन करो जो विटामिन्स की कमी से होती है। तो विटामिन्स हम लोग पढ़ते हैं लेकिन है ना आपको इसको 32 मार्क्स के जैसा लिखना है, ये चीज को भी आपको समझना होगा तो उतना आपको याद रहना चाहिए और लिखना होगा, इसीलिए ये सब चीज का अभी आपके पास समय है तो थोड़ा प्रयास कीजिए। फिर है यहाँ झारखंड राज्य के किसानों द्वारा आमतौर पर, ये भी आपका झारखंड से संबंधित है, इसको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है और यहाँ पे तो देखिए आपको ऐसा भी कोई चांस है नहीं, अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। झारखंड राज्य के किसानों द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली वर्षा जल संचयन की विभिन्न विधियां क्या है या कृषि उत्पादन में सुधार के लिए कैसे फायदेमंद है। दूसरा है बंजर भूमि पर अपनी अवधारणा दे, इसके सुधार और कृषि वानिकी में इसके संभावित उपयोग के लिए आप क्या सुझाएंगे। तो इस तरह से ये झारखंड से संबंधित था। उसके बाद यहाँ पे 5वां क्वेश्चन जो है ये जो है अम्लीय और 5वां नंबरिंग है, लेकिन क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव है वो 4था है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। नंबरिंग में चूंकि एक नंबर एमसीक्यू को मान लिया इसलिए नंबरिंग में ये 5वां आ रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव का ये 4था क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा और मरुस्थलीकरण का क्या कारण है ये और परिणाम आपको लिखना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मुख्य विशेषताएं और उनमें किए गए संशोधन का वर्णन कीजिए, ये दिया गया है।
फिर छठा है क्षय एवं अक्षय ऊर्जा का विभेद कीजिए, कि दो अक्षय ऊर्जा स्रोतों, अक्षय यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। फिर है एचआईवी क्या है, यह कैसे मानव शरीर को प्रभावित करता है, एचआईवी संक्रमण के कारण प्रभाव व नियंत्रण के उपाय है। तो हम फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे पांच सेक्शन था, पांच सेक्शन से आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे और इस तरह से यहाँ पे 40 मार्क्स होगा और यहाँ पे आपको पांच जो है वो डिटेल क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं जो कि 32 मार्क्स के होंगे और इस तरह से 140 मार्क्स हो जाएगा और इस तरह से टोटल मिला के 200 मार्क्स है। और अगर हम यहाँ पे इजी वे में 120 मार्क्स ला सकते हैं, आपको एग्जांपल अभी हम दिखाएं 135 मार्क्स यहाँ पे लाया जा सकता है, तो आप प्रयास कीजिए कि आप इस तरह से लिखें इसको कि आप बहुत अच्छे से यहाँ पे 130 कम से कम टारगेट लेके चलिए। अगर आपका बेहतर है तो आप 130 के रेंज में, 30-35 के रेंज में अगर रहिएगा, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि मेंस में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप इंटरव्यू में मात्र 50 मार्क्स भी आपको अगर देता है सामने वाला, आपको समझता है आपका कोई पर्सनालिटी है भी नहीं, तो भी 40-50 मार्क्स तो देगा ही देगा। तो आप मेंस में इतना मेहनत कर लीजिए क्योंकि यह आपके हाथ में, इंटरव्यू करने वाला क्या सवाल करेगा उस सिचुएशन में आप जवाब दे पाइएगा कि नहीं दे पाइएगा वो आपके हाथ में नहीं होता है। जो आपके हाथ में है वो है मेंस, मेंस अच्छे से कर लीजिए और सही डायरेक्शन के साथ तैयारी कीजिए, आपका मार्क्स आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ये टफ है, अभी क्वेश्चन आपको हम बता रहे होंगे तो लग रहा होगा कि इतना टफ आंसर जो है वो कैसे लिखे, लेकिन हम लोग भी क्या है जनरल पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, थोड़ा सा तरीके से मेहनत करना पड़ता है। और हम बार बार करें, हम तो देखिए हमको प्लेटफॉर्म मिला इसलिए हम अपना बात रख पा रहे हैं, हमारे से भी बहुत सारे ऐसे एक तरह से का ये टैलेंटेड कैंडिडेट हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए वो अपने अनुभव शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अगर मौका मिलेगा तो वो लोग को भी यहाँ पे शेयर करने का मौका देंगे ताकि जो सही और जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको एक सही मार्गदर्शन मिले और वो सही मार्गदर्शन को प्राप्त करके अपना तैयारी को आगे ले जाए। तो बिना यहाँ पे रिजल्ट का आप जो है इंतजार किए हुए, आप देखिए रिजल्ट का इंतजार करना कौन नहीं चाहता है, हम खुद एग्जाम दिया हमको भी लग रहा है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, हमको भी चिंता है, लेकिन फिर भी इस चिंता को साइड में रखिए और अपना जो प्रिपरेशन है, अपना जो काम है उसको आप करते रहिए, उम्मीद करते हैं आप जो भी मेहनत किए होंगे उसका फल मिलेगा। और हम बार बार कह रहे हैं या शुरुआत में ही आपको कहा गया है कि एग्जाम में पास होना फेल होना ये जीवन में पास होना और फेल होने से संबंधित नहीं है, हो सकता है अगर हम फेल हो गए तो यही सोच लीजिए कि इंटरव्यू में जाके हम फेल हो जाते, उससे अच्छा पीटी में ही फेल हो गए तो चलो मामला यही सुलट गया, हम किसी दूसरे रास्ता की ओर आगे बढ़ जाएंगे और दूसरा काम में हम लग जाएंगे। तो इसीलिए चीजों को सकारात्मक रूप में देखने का प्रयास कीजिए, नेगेटिव रूप में देखने का प्रयास मत कीजिए। मेहनत करते हैं, फेल होते हैं, दुख तो लगता है, ठीक है 2-4 दिन यहाँ पे थोड़ा रो लीजिए, 2-4 दिन यहाँ पे बिता लीजिए, लेकिन बाद में 1 सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद आपको फिर से अपना सही रास्ता ढूंढना होगा और उस रास्ते में आपको चलना होगा। दुखी होकर हम ज्यादा दिन जीवन बिता नहीं सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।